हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं थोड़े नाल रीडिंग दे टिप्स डिस्कस करने हैं। रीडिंग एक ऐसी चीज़ है बच्चे नू हमेशा कंफ्यूज करती है। रीडिंग दे विच बच्चे घबराते भी बहुत है, डरते भी बहुत है और उन्होंने लगता है कि उन्होंने बाकी सारे मॉड्यूल्स ठीक है, सिर्फ एक रीडिंग ही ऐसी है जिहड़ा उन्होंने तंग कर रही है। एंड बिलीव मी, रीडिंग तंग नहीं करती। रीडिंग भी अगर टेक्निक पकड़ ली जाए, रीडिंग का अगर टिप कैच हो जाए कि इन्हू करना किस तरह है, देन आई थिंक इट इज़ द ईजीएस्ट। अब क्रिकेट खेलने वाले को जब पता लग जाता है कि मैंने बैट ऐसे चलाना है, वो वास्ते बैटिंग डिफिकल्ट नहीं है, बॉलर लिए बॉलिंग डिफिकल्ट नहीं है। हूँ एक कबड्डी के प्लेयर वास्ते क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है। सो वॉट इज इट? इट इज़ अ टेक्नीक, बेसिकली इट इज़ अ टेक्नीक। And I'll tell you, every student, those who have done plus two, जिहड़े बच्चों ने plus two कीती है, English पढ़ना जानते हैं, उन्हां लई reading मुश्किल नहीं है। क्योंकि जिहड़े टिप मैं तुहानूं देने है, यह टिप हर बच्चा फॉलो करके स्कोर लै सकता है। Now, one thing I'll also discuss with you, बड़े बच्चों के mind च हुंदा है कि भई असीं पंजाब बोर्ड दे हां, साढ़े कोलों नहीं होनी। ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब बोर्ड के बच्चों को एटलीस्ट लाइना पढ़नी आती हैं। जे लाइन पढ़नी आती है तो मैं तुम्हें आंसर लभना सिखा दाँगी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। नाउ आई विल बी पिकिंग अप वन बाय वन टिप विद यू एंड डिस्कसिंग इन डिटेल्स। सब तो पहला टिप है, हैव अ क्विक लुक एट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्ड। यू विल नो वॉट विल बी एक्सपेक्टिंग इन द रीडिंग पैसेज। नाउ देर आर टू टेक्निक्स, दो तरीके है। या तो तुम पैसेज में पहले ओवरव्यू कर लो, अगर पैसेज ओवरव्यू नहीं समझ आता, नहीं करना चाहते, तो यू कैन ऑलवेज रीड द टाइप ऑफ क्वेश्चन्स। क्वेश्चन टाइप्स जोड़े वे है, उन्होंने एक बार देख लो कि किस तरह का क्वेश्चन इन्हें तो पूछे है। क्या है तो येस नो नॉट गिवन पूछ रहा है, तू फिलअप्स कर रहा है, हैडिंग्स है, की टाइप है क्वेश्चन की, कैटेगरी की है। फिर वो अकॉर्डिंगली अपने माइंड में सैट करके रीडिंग का पैसेज खोलो। Now, second tip is don't try to understand every word. This is something very, very important. Reading the agar ek ek word samjhan lagoge, te Punjabi de vich sidha kahoge ki dimag kharab ho jayega. Kuch samajh nahi aayega. Tusi bore ho jaoge, tusi khap jaoge, aur tusi reading nu utthe chhod doge. Now, reading is meant to be read, not to be understood. Ab reading agar samajhne ke liye hoti, to wo aapko bolte ki come on, write 50 words. 60 words आंसर दो, 50 words आंसर दो। रीडिंग तो सबजैक्टिव है ही नहीं, रीडिंग इज ऑबजैक्टिव। वो थानू एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो क्वेश्चन से कह रहे हैं कि इनू येस नो फिलअप वन वर्ड थ्री वर्ड्स, इन्होंने आंसर कर दो। जो थोड़े क्वेश्चन ही सबजैक्टिव है, ऑबजैक्टिव है, फिर उन्हें सबजैक्टिव तरीके दे नाल एक एक वर्ड समझने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज़ समझ आ रही है ठीक है, जो नहीं समझ आ रही अगे चलो। क्योंकि ये जो टिप असी यूज़ करना है, द टिप दैट वी आर गोइंग टू यूज हेयर इज, इट इज़ जस्ट लिंकिंग एंड लोकेटिंग। कि असी वर्ड नू लिंक करना है, क्वेश्चन द वर्ड और पैसेज द वर्ड असी लिंक करना है, लोकेट करना है कि कितने है वर्ड एंड वेयर इज द आंसर। दैट इज इट, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं है ये। देन नेक्सट इंपॉर्टेंट टिप वॉट आई बी डिस्कसिंग हेयर विद यू इज, लर्न द ट्रिक ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इन दिस वे यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। टाइम ही तो एक ऐसी चीज़ है जी रीडिंग च बचानी है। रीडिंग दे विच वॉट इज इट, देर आर 40 क्वेश्चन एंड 60 मिनट्स। जितना टाइम हम सेव करेंगे उतना टाइम हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू ओवरव्यू द रीडिंग्स एंड ओवरव्यू द क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स। जितने भी इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हैं उन सबको अंडरलाइन कर लो। जब आप उनको अंडरलाइन करोगे, आपको आंसर्स लिंक और लोकेट आराम से हो जाएगा। तुसी उन्नू कर लोगे लिंकिंग एंड लोकेटिंग। अगर तुसी पूरे का पूरा पैराग्राफ समझने की कोशिश करोगे, पूरा पैसेज समझने की कोशिश करोगे, तो उन्नू समझ नहीं आएगा। स्किमिंग मीन्स जिहड़ा है तुसी उन्नू छान लेना है, जिस तरह कहते दूध नू स्किम कर दो, छान दो। स्कैन मीन्स ऑब्जर्व करो, वर्ड को ध्यान से देखो कि वॉट मीनिंग इज इट कन्वेइंग, इज इट रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। कि जो क्वेश्चन पूछे गया उसके साथ रेलिवेंट है, अगर रेलिवेंट है तो दैट इज एन आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप रीडिंग के लिए, दैट इज डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स ऑन ईच पैसेज. 15 to 20 मिनट तो ज़्यादा एक पैसेज के ऊपर ना लगाओ. एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑन द आंसर शीट. आप ज़्यादा टाइम लगा दोगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. रीडिंग दे विच की होंदा है, जड़ा आंसर बच्चा पहले लभदा है, द आंसर दैट यू फाइंड फर्स्ट इज जनरली करेक्ट. जदों तुसी उन्हों दोबारा करदे हो वो आंसर गलत निकलता है, तुसी दूसरा आंसर लभदे हो गलत हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ऑन द सिंगल गो. एक आंसर मिलिया ठीक है, नहीं मिलिया आगे चलो. कैरी फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड. जिन्ना अगे अगे चली जाओगे आंसर्स जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे. एंड दिस इज द टेक्निक ऑफ डूइंग अ रीडिंग. देन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई विल डिस्कस हियर इज रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. ऑलवेज लुक फॉर द वर्ड काउंट इन द आंसर. अब इंस्ट्रक्शन में तो उसने बोला येस नो नॉट गिवन, तुसी उते लिखा है ट्रू फॉल्स. इंस्ट्रक्शंस जो कहते हैं नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, तुसी उते लिख के आए 5 to 7 वर्ड्स, आंसर तो अपने आप गलत होगा. रीडिंग हो या लिसनिंग हो, नेवर बाईपास द इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस जो छोड़ के आंसर्स लभन की कोशिश ना करो, तुहानू आंसर्स नहीं मिलेंगे. आंसर्स मिल भी गए तो आंसर नू गलत कर दोगे. येस नो नू ट्रू फॉल्स लिखा है, कंप्यूटर ने लिफ्ट ही नहीं करना, वो आंसर गलत हो जाएगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इंस्ट्रक्शन पढ़ो और इंस्ट्रक्शंस नू अंडरलाइन कर लो. दैट विल बी अ गुड साइन फॉर यू टू गेट अ गुड स्कोर. अब ये जो टिप मैंने आपके लिए लिखा है, डोंट पैनिक, स्टे काम एंड रिलैक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आइल्स में तो ये वाला मंत्र बहुत ज़्यादा काम आता है. इट रियली गोज वेरी वेल इफ यू अप्लाई इट. जिस तरह तुम रीडिंग देख के एकदम घबरा गए कि इन्नी लंबी रीडिंग, बिना पढ़े बिना देखे बिना समझे बिना क्वेश्चंस नू देखे तुसी घबरा गए, पैनिक हो गए, कंफ्यूज हो गए, डर गए, तुहानू उत्थे आंसर्स नहीं मिलेंगे. हो सकता इन्नी लंबी रीडिंग दे विच 60% एग्जाम्पल्स भरे हो जिहड़े रिक्वायर्ड नहीं है. और रीडिंग दे विच सारी चीज़ां थोड़ी काम दी होंदी हैं. इट इज़ ऑलवेज थ्योरी विच इज़ नोन एज एलिमिनेशन थ्योरी. कुछ चीज़ा जी चाहिए तुम उन्होंने मार्क कर दो, बाकी तो इट इज़ अ वेस्ट फॉर यू. पूरी की पूरी रीडिंग थोड़ी तुम लभ लभ के आंसर देखने हैं. यू हैव टू जस्ट लिंक एंड जस्ट लुक इट. दिस इज समथिंग गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन वन क्वेश्चन. इफ यू डोंट नो द आंसर मेक अ गेस एंड मूव ऑन. यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप एक क्वेश्चन लेके अगर सपोज आप 10 मिनट तक बैठे ही रहे कि जब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिलेगा मैंने आगे नहीं चलना, कि मैं यदा आंसर लभना है फिर मैं आगे चलना है, तुसी अपना टाइम भी वेस्ट कर दोगे और रीडिंग दे बाकी क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे. दो ही चीज़ें होंगे, या तो छूट जाएंगे या तो उन्होंने तुक्के लगाने पैणगे. तो इस तो बैटर है कि आंसर मिलता है तो इट्स ओके, नहीं तो कैरी ऑन, आगे चलो, मूव फॉरवर्ड. व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड यू विल फाइंड द आंसर्स. हो सकता है कि इसमें आपको आंसर ना ही मिले. सपोज पूरी रीडिंग 40 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिले. हूँ 3 क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं मिले तो उन्होंने छोड़ना नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू लीव दोज क्वेश्चन, बिकॉज वॉट हैपन्स इफ यू लीव द क्वेश्चन, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. एक गेस लगा दो, तुक्का लगा दो, हो सकता है ठीक हो जाए. और तुक्का भी नियर बाय लगाओ, नियर बाय तुक्का लगाओ कि नहीं ठीक है ए क्लोज बाय लग रहा है मैनू, तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो वॉट आई वॉन्ट टू से इज दैट ट्राई टू फॉलो दीज टिप्स एंड आ टिप्स नू इम्प्लीमेंट करो, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड स्कोर इन रीडिंग. सब तो पहला टिप जड़ा है ना कि रीडिंग नू देख के डरना नहीं है, रीडिंग नू देख के बोर नहीं होना कि वो हो की मुसीबत है. डोंट हैव दैट फीलिंग. डू द रीडिंग विद अ पॉजिटिव माइंड, डू द रीडिंग इन अ हैप्पी मूड. And it is very sure you will be having a good score in reading. I hope these tips are clear to you and you will be trying to implement these tips rather than listening to the tips. आप ये टिप्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, एक रीडिंग में एक पैसेज में ये टिप्स इम्प्लीमेंट करो. I hope you'll get the answers quite correct. Till now, I think I have been very clear with you with regarding all the tips. God bless you, stay safe, be happy, and I really hope you to get very good score in readings.